पारा शिक्षकों के हित का ख्याल रखेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के हितों का ख्याल रखने का भरोसा दिलाया है। झारखंड शिक्षा मित्र केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों ने रविवार को उनसे मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को राज्य में काम कर रहे सभी 65,000 पारा शिक्षकों के हितों का ध्यान बन रही नियमावली में रखने का आग्रह किया। गढ़वा जिले से आए पारा शिक्षकों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होने की वजह से रोके गए मानदेय को जल्द से जल्द आवंटित करने की गुहार लगाई। अवकाश के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर दिनभर मुलाकात करने वालों का तांता लगा रहा। राज्य के अलग अलग इलाकों से आए विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी की परेशानियों और समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि वे जनता का दुख दर्द समझते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का जल्द निराकरण करें। मुख्यमंत्री को ट्रैक्टर ऑनर्स एसोसिएशन ने बताया कि उनके ट्रैक्टर का इस्तेमाल रांची नगर निगम कचरा उठाने में करती है। पिछले 6 माह से इसका भुगतान नहीं किया गया है। वहीं बरहेट से आए युवाओं ने सोहराई के अवसर पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया। गढ़वा जिला परिषद से कार्यमुक्त किए गए अनुबंधित कर्मियों ने समायोजित करने की मांग रखी। रांची के पिस्का मोड़ पर रहने वाले दिव्यांग युवती ने राशन दुकान की डीलरशिप दिलाने का आग्रह किया। जमशेदपुर से आई महिला समूह की नीता सरकार, दलजीत कौर और मृदुला मन्ना ने शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री की तस्वीर वाली पेंटिंग मुख्यमंत्री को भेंट की। मुलाकात के लिए आए कई लोगों ने मुख्यमंत्री को किताब उपहार में दी।